खमा गणी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कैसे हैं हुकुम? देखो मैं चाय बना रही हूँ, मेरे साहब जी का कॉल आ गया कि जल्दी से फटाफट चाय बनाओ। तो यहाँ बनाने में टाइम लगता है, गैस पर 2 मिनट में 5 मिनट में बन जाती है ऑलमोस्ट चाय। तो मैं यहाँ बना रही हूँ क्योंकि मुझे चूल्हे की चाय अच्छी लगती है गाइस। अब मैं यहाँ सभा हो गई, मतलब दो चार महीने से बनाती हूँ ना, तो मुझे ना मतलब अच्छा लगने लग गया है। यहाँ पे गैस की चाय अच्छी नहीं लगती, तो मैं सोची वो आते हैं तब तक मैं उसकी चाय बना लेती हूँ और आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट जरूर से कर देना गाइस। तो क्योंकि मैं ना आजकल हैंडल कर लेती हूँ, टिकल कर लेती हूँ, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्योंकि आजकल मुझे इतना टफ नहीं लगता, बना लेती हूँ। टाइम जरूर लगता है पर बना लेती हूँ। देखो वो आ भी गए, मेरे साहब जी ने हॉर्न बजा दिया है, वो आ गए, बैठे पड़े हैं। तो गई आज मारो काम खत्म हो गो, काम तो रोज ही डेली ख़त्म हुआ है, लेकिन हमारा कपड़ा धोना है। वो कपड़े किसके हैं आज? कुछ एक्स्ट्रा कपड़े हैं, देखो पूरा पीछे है, पूरा जाएगा, अभी स्कूल जाएगा, पूरा का टाइम हो गया 9:30 बजे। ये दवाई लाने के लिए गया था ना, तो उन्होंने बोला 9:30 बजे भेज देना, तो मेरा बड़ा बेटा जाएगा इसको छोड़ने के लिए। और आज मेरे बड़े बेटे के कपड़े काफ़ी है, कम से कम 8 से 10 ड्रेस हैं। तीन चार जोड़ी नहीं, बैग के अंदर अलग से पड़े हैं। तो इतने सारे कपड़े धोने हैं मुझे आज, वरना रोज तो मैं कपड़े धोती हूँ, बट 3 जोड़ी कपड़े होते हैं, 3 पेयर। तो मेरे पूर्व के पापा के आज एक्स्ट्रा धोने, मतलब 13 जोड़ी 8 से 10 तो आप मान के चलो 3 हमारी हो गई। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, वैसे बदमाशी मत करो। और आज फिर से वही हवाओं का रुख चेंज हो गया है, हवाएं वैसे चल रही है तेज ना, मन अच्छा नहीं है मेरा, क्योंकि मैंने कल झाड़ू लगाया था और आज फिर से पत्ते बिखर गए। बिखरने दो इनको, जब तक हवा चलती है बिखरने दो, जितने बिखरना है इनको बिखरने दो। मैं अपना मतलब कपड़े धोंगी, फिर आज लास्ट में नहाऊंगी कपड़े सबके धोने के बाद, क्योंकि आज काफ़ी कपड़े धोने हैं। लॉन्ड्री लगा के रखी है मैंने, जाके देखो आज इतने सारे कपड़े पड़े हैं, बता ही नहीं सकती। सो फाइनली गाइस आज मैंने अब धो दिए कपड़े, सारे कपड़े धो लिए, अब मैं नहाऊंगी, फिर पूजा करके खाना खाना ही है। आज आखिरकार धो दिए सबको, धो डाले मतलब कपड़े धो दिए, इतने सारे कपड़े धोए। देखो आप ही देख के हैरान हो जाओगे, इतने कपड़े मैं धोती नहीं हूँ कभी, पर हो जाए तब तो धो भी देती हूँ, पर नहीं होते तो कहाँ से लेकर आऊँ, दूसरों के तो नहीं ला सकती ना। वे हमारे 3 ही जोड़ी हुआ करते हैं डेली। तो देखिए एक बाल्टी भरी पड़ी है और इधर साइड में पड़े हैं, अभी बाल्टी वाले धोने, थोड़े से एक तो बाकी है। सो गाइस देख लो इतना सारा कपड़ा धोया हूँ मैं, देखो आज इतने कपड़े धोए मैंने। अब बस मेरे नहाना बाकी हूँ और काम सारा कंप्लीट हो गया, आखिर धो डाला मैंने इन सबको। मेरे टेंशन थी इतने सारे कपड़े धोने हैं, जब से देखे थे तब से टेंशन ही थी एक तरह से कि अब इतने सारे कपड़े कैसे धोऊंगी। अब बाकी मुझे ना अच्छा लगता है कपड़े धोना, ज़्यादा वो बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि मैं धो नहीं सकती, मैं धो देती हूँ, पर एक साथ कपड़े को देखकर तो थोड़ा सा तो लगता ही है ना कि बाप रे इतने कपड़े धोने हैं। तो आज देखो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, यहाँ बैठने का मन कर रहा है, यहाँ बैठ जाती हूँ मैं। तो अब मैं नहानो बाकी है मारो, आज का मेरा ब्लॉग यही था। अगर आपको इतना सा पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को।
ताकि मैं डेली आपसे जुड़ी रहूं और अपनी दिनचर्या आपसे शेयर करती रहूं। आज तक की मेरी दिनचर्या यही थी जो मैंने आपको बता दी। सब गए स्कूल विस्कूल में, तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट व्लॉग में मेरी दिनचर्या में। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उनको थैंक यू, और मेरे जो सब्सक्राइब है उनको थैंक यू, सबको थैंक यू, मेरी यूट्यूब फैमिली को सबको थैंक यू, क्योंकि वो मुझे देखना पसंद करती है। मैं चाहे जैसा भी दिनचर्या शेयर करूं, मेरे पास जो है बस वही कर सकती हूं। कोई कहीं से खरीद कर तो नहीं ला सकती ना कि मैं कहीं से खरीद के लाऊं और आपके पास पेश करूं, ऐसा तो है नहीं। जो मेरा घर का काम है वो आपसे शेयर करूं। आई होप यू आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं कोई नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय खमा गणी।